आज मैं आप सभी के लिए रक्षाबंधन के लिए स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लौकी का आप लोग सब्जी तो बहुत खाए होंगे, लेकिन लौकी का मिठाई एक बार ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और वो भी घर के इजी सामग्री से, जो घर में हमेशा अवेलेबल रहता है उसी सामग्री से मैं मिठाई बनाने वाली हूँ दोस्तों। और ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनने वाला है दोस्तों, और आपके घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे इस मिठाई को दोस्तों। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को दोस्तों। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पहले से सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मैं एक लौकी ली हूँ दोस्तों, और लौकी को छील लेती हूँ। छीलने के बाद इसको अच्छे से मैं धो लूँगी दोस्तों। तो ये देखिए मैं छील ली हूँ, अब इसको धो लेती हूँ। अब मैं धो ली हूँ दोस्तों, और इसको महीन कद्दूकस करने वाली हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी महीन कद्दूकस कर लेना लौकी का। तो एक प्लेट में मैं कद्दूकस कर रही हूँ, ये देखिए आपको हाथ में भी लेकर दिखाती हूँ कितना महीन कद्दूकस हुआ है दोस्तों। तो इसको अब एक चाय छन्नी में डाल लेंगे, और इसमें का जो भी पानी है वो पानी को बाहर निकाल देंगे दोस्तों एक कटोरी में, और उसको सूप के तौर पे भी आप लोग बनाकर पी सकते हैं। और इस निचोड़े हुए लौकी को एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ दोस्तों। अब मैं 50 ग्राम के करीब सूजी ली हूँ एक कटोरी में, और इसको थोड़ा सा और महीन करना है तो मैं मिक्सी जाल में डाल देती हूँ महीन करने के लिए, और मैं महीन कर ही रही हूँ, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ढक्कन हटाकर मैं अभी देख रही हूँ, ये देखिए महीन हो चुका है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, जितना महीन की हूँ उतना ही महीन आप लोग भी कर लेना। अब इसको मैं एक कटोरी में निकाल ली हूँ दोस्तों। गैस चूल्हा पे अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ, और इसमें 2 चम्मच घी और 2 चम्मच रिफाइंड डाली थी, और तेल गरम हो चुका था। उसके बाद मैं उसी में सूजी डालकर हल्का सा ब्राउन की थी, उसके बाद निचोड़ा हुआ लौकी डालकर इसको 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये इसका कलर चेंज हो जाए दोस्तों। तो ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, अभी आपको दिखाई रही हूँ। तो कलर चेंज हो चुका है दोस्तों। अब इसमें मैं मलाई वाला 1 गिलास दूध डालूँगी, और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से छोलनी के सहारे मैं चलाऊंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। गुठलियाँ रहेगा तो आपका मिठाई ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छे से चला ली हूँ। उसके बाद 2 इलायची इसमें तोड़कर डाल दी हूँ ताकि मिठाई की खुशबू अच्छा आए और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। उसके बाद 100 ग्राम के करीब मैं इसमें चीनी डाली हूँ। चीनी डालने के बाद लगातार इसको चलाते रहेंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए दोस्तों। तो आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है दोस्तों। तो अब इसको गैस को मैं ऑफ करने वाली हूँ। तो गैस को ऑफ करने से पहले इसमें मैं बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी डाली हूँ दोस्तों। तो आप लोग घी ज़रूर डालना लास्ट में दोस्तों, 2 चम्मच या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी डाली हूँ दोस्तों। अब मैं गैस को ऑफ करने वाली हूँ, क्योंकि घी डालकर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, और ये देखिए एक मिठाई का डब्बा है, तो इसमें मिठाई बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और अच्छे तरीके से बन जाएगा। अगर ऐसा डब्बा आपके पास अगर नहीं होगा तो आप लोग एक थाली में रिफाइंड तेल लगा लेना या घी लगा लेना, उसके बाद इस पेस्ट को, मिठाई वाले पेस्ट को उसमें डालकर सेट करना दोस्तों। तो ये देखिए कैसे मैं सेट कर रही हूँ। अब मैं हाथों में घी लगा ली हूँ दोस्तों, और घी से ही इस सारे मिठाई को सेट की हूँ दोस्तों एक डब्बे में, और ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसमें मैं केसर डाल रही हूँ दोस्तों, अगर आपके पास केसर ना हो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, अगर दोनों हो तो दोनों डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल लेना और केसर भी डाल लेना, और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनने वाला है दोस्तों। तो अब इसको मैं फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो 1-2 घंटा हो चुका है दोस्तों, मैं बाहर निकाली हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है दोस्तों। तो मैं एक चाकू के सहारे पीसेस कर लेती हूँ मिठाई की तरह दोस्तों। तो आप लोग भी मिठाई की तरह पीसेस काट लेना, और जब तक अच्छे से सेट ना हो तब तक
चाकू से मत काटना, नहीं तो गीला रहेगा तो कटेगा नहीं और चाकू में भी लग जाएगा। तो मेरा तो मिठाई सेट हो चुका था, मैं अच्छे से कट कर लगा ली हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट ये बना है दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को एक प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए, सही बोल रही हूँ दोस्तों, एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये मिठाई, और वो भी घर के इजी सामग्री से ही ये बना है। तो एक तोड़ कर भी मिठाई आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये तार तार की तरह जो दिख रहा है दोस्तों, ये घिसा हुआ वही लौकी है दोस्तों, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से बार बार बोल रही हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। फिर मिलूँगी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वीडियो फुल वॉच करने के लिए।